हेलो। हाँ नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों हमारे यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की NTA UGC नेट GRF की। तो GRF के साथ साथ साथियों आप हमारे साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं TGT PGT फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जो कि चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम्स हो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, हिस्ट्री विषय के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है साथियों, आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, हिस्ट्री UGC.net/फिलर फोरम करके हमारा की टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए जो कुछ चीज़ें जो यहाँ पर छूट जाती हैं साथियों, पोल क्वेश्चन, MCQ अपडेट्स, PDF नोट्स वगैरह जो होते हैं वो हम वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हमारे साथियों अब फिलहाल अभी जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री MCQ, मिक्स हिस्ट्री MCQs का सीरीज चल रही है हमारी, जो कि एज पर द करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनके हम सीरीज चला रहे हैं। उसी संदर्भ में आज की दूसरी वीडियो है, बहुत सारी वीडियो से पहले हो चुकी थी, 100 100 क्वेश्चन करके हम अपनी वीडियो चलाते हैं, तो उसकी सेकेंड वीडियो है ये। तो उसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारत के वायसरायों और भारत सचिवों के निजी पेपर्स माइक्रोफिल्मों के रूप में कहाँ पर सुरक्षित हैं। हाँ बताइए साथियों, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम के जो लेटर्स वगैरह होते थे, हैं ऑर्डिनेंस वगैरह होते थे, कानून पारित होते थे, एक्ट जो बनते थे वायसराय और सचिव, भारत सचिव भारत मंत्री को जो निजी पर्सनल पेपर्स वगैरह जो होते थे वो माइक्रोफिल्म के रूप में कहाँ पर सेव हैं इंडिया के अंदर कहाँ पर। हालांकि सब ज़्यादातर तो हमारे यहाँ देश से यहाँ से अंग्रेज ले गए थे, हैं लंदन की जो ब्रिटिश म्यूजियम है वहाँ पर वो है, सेफ है, लेकिन हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया में भी है। तो बताइए साथियों कहाँ पर है वो। ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से आपने इस अपना अपने अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन चूज करके उसका आंसर पुटअप करना होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में 32 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बताइए बता आप बताइए पहले। थर्टी टू का जो राइट आंसर वो होगा आपका नंबर सी, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली के अंदर है साथियों, नेशनल आर्काइव जो है वहाँ पर सेव हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे कहता है कि आधुनिक भारत में योजना और आर्थिक विकास संबंधी योजना के गलत युग्म को चुनिए। योजना और आर्थिक विकास संबंधी योजना, एक तरफ इन आदमी दिए हुए हैं जिससे संबंधित योजना है, दूसरी तरफ योजनाएं दी हुई है, तो योजनाओं से संबंधित जो आदमी है वो जो जोड़ा है वो गलत कौन सा है वो चूज करना आपने। बताइए साथी कौन सा राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर बताइए क्या होगा साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू गांधीवादी योजना, ये गलत है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष डुंगली चोर प्याज चोर शीर्षक से प्रसिद्ध है। क्या बात, नई नई चीज़ें आ रही है ना। बताइए साथियों कौन सा किसान संघर्ष जो है डुंगली चोर यानी कि प्याज के चोरी से संबंध शीर्षक से प्रसिद्ध है।
34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में ही साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था और महिलाओं ने वहाँ की, गुजरात की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ये गुजरात से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि शायद गुजराती भाषा में प्याज को डोंगल कहते, डुंगली कहते होंगे, संभावना है। तो गुजरात से हो तो बताए ना। हाँ, हमारे एक स्टूडेंट जीनल चौधरी, अगर वो सुन रही हो तो बताइए क्या डुंगली प्याज को बोलते हैं गुजराती भाषा में, बताइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्थाई बंदोबस्त का संबंध किससे है। स्थाई बंदोबस्त का संबंध बताइए साधु किससे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन शोर से। जॉन शोर का टाइम पीरियड जहाँ तक मेरा अंदाजा है 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद से लेकर 1798 के बीच में रहा था ये, है ना, इसमें रहा था इस, जहाँ तक मुझे अनुमान है, अनुमान है, एक्यूरेट आप देख लेना। आगे कहता कि भारत माता बुद्ध और सुजाता, कृष्णलीला और ताज को निहारता शाहजहां, आज ही किस चित्रकार की कृतियां हैं। ये क्वेश्चन तो पहले भी आया हुआ, हालांकि चलो कोई नहीं, बताइए फिर भी किसकी कृतियां, बताइए किसने कलाकारी की थी इसमें। भारत माता का चित्र, बुद्ध और सुजाता का, कोई बताएगा बुद्ध के साथ सुजाता का क्या संबंध था। कृष्णलीला, ठीक है, कृष्ण भगवान संबंधित है, और ताजमहल को निहारता हुआ शाहजहां, किस चित्रकार की कृतियाँ हैं, किसने बनाई ये। तो ये थे आपके चित्रकार जो थे, वो थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। ये जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, शायद बड़े भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर, टैगोर या ठाकुर, यही की बात है, टागोर नहीं, टैगोर होगा ये। थोड़ा ठीक कर लेना इसको। आगे कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता और अरविंदो घोष ने अग्निशिखा कहा, किसे कहा, बताइए साथी किसको कहा। क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। थर्टी सेवन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट नोबल। ये बहुत अच्छी बोलती थी भाई। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, कोई रोल नहीं था। विजयलक्ष्मी पंडित ये एक नकली औरत थी, ये आपके जवाहरलाल नेहरू पंडित की बहन थी, ये इसको ज़बरदस्ती भेज दिया था यूएनओ में उस समय में, बाद में विजयलक्ष्मी पंडित ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और सरोजिनी नायडू ये काफ़ी पढ़ी लिखी थी, बाद में फिर ये इसने भी दिए थे भाषण अपने यूएनओ वगैरह में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थी ये थी। आ गया था किस राज्य के साथ की गई संधि को पुनः संशोधित किया गया था, बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका। थर्टी एट का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोटा राजस्थान के अंदर पड़ता है ये।
आगे कहते हैं, किसके आक्रमण के भय के कारण राजपूतों ने मराठा अंग्रेजों के साथ संधियां की थी? बताइए साथियों, किसके डर की वजह से राजपूतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, एग्रीमेंट कर लिए थे? बताइए, किससे, किस चीज़ का डर था उन्हें? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी क्या था, मराठों और चोलों। तो चोल तो दक्षिण भारत में बहुत दूर थे, इनका तो रामकाल खत्म हो चुकी थी, मध्य आते आते प्री मॉडर्न आते आते मुगल काल के बाद की बात हो रही है, ठीक है। पिंडारी और मुगल, इनका कोई लेना नहीं, मुगलों और इनका लठ बचते रहते, झगड़ा होता रहता था, मुगलों और मराठों में युद्ध होता रहता था। खाली मराठे और पिंडारियों के झगड़े के कारण अंग्रेज इसके इनके दोनों के डर के कारण जो था ना, अंग्रेज राजपूतों की फट गई थी, उन्होंने पर राजपूत अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। बहुत कहते हैं आजकल, हम राजपूत हैं, देख लो क्या हाल हो रखा है, मराठों ने बैंड बजा दिया भाई सब इनका, राजपूतों का। अठारह सत्तावन की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? फोर्टी का राइट आंसर होगा आपके साथ ऑप्शन नंबर ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साथियों, भरतपुर में 1800 का विद्रोह कब हुआ? 41 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट। फोर्टी वन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 31 मई 1857 को। हाँ कहते हैं, सबसे पहले किसने सुझाव दिया कि संस्कृत लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? एक ही बंदा है, मैक्स मुल्लर ने तो ट्रांसलेशन किया था किताबों का, आपको तो जर्मन का था ये बंदा। चार्ल्स विल्किंस ने गीता का ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। पी ए स्मिथ, वी ए स्मिथ है ये, पी ए नहीं, वी ए स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये बुक्स वगैरह लिखता था, हिस्टोरियन था, जो पुरालिपि शास्त्र से संबंध रखता था, जो भाषाओं का अध्ययन जो करता था, लिपियों का प्रोच, वो था सर विलियम जॉन्स। इन्होंने 1837 में आपके डिकोड किया था अशोक की लिपि को। तो ज़रा बताइए, अशोक की लिपि का नाम क्या है? देखते कितने लोग बता पाते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग आते ज़्यादातर लोगों को ना ये समझ में नहीं पाएंगे, आधे लोग जो है क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। मैंने पूछा कि अशोक के अभिलेखों की लिपि का नाम क्या है, ना कि वो लिपि कौन कौन सी हैं, लिपि नहीं पूछा मैंने, कौन कौन सी लिपि का नाम पूछा, लिपि कौन, लिपि का नाम क्या है, अशोक ने खुद कहा है वहाँ पर। अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखा इयम धम्म लिपि, यह है धम्म लिपि है, तो लिपि का नाम धम्म लिपि कह सकते हैं हम, धर्म लिपि नहीं, धम्म लिपि, पाली प्राकृत का प्राकृत लिपि है, वो प्राकृत लिपि है, उसमें लिखा है उसने अशोक ने अपने लेखों अभिलेखों की लिपि को बोला गया है धम्म लिपि, जो वहाँ पर लिखा उसने क्या, इयम धम्म लिपि, यह धम्म लिपि है। आगे को 43 कहता है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? बताइए साथियों, कहाँ हुई? तो ये जो राज हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, नहीं बी, राजगृह में तो आपकी पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यहाँ पे पूछा आप जैन संगीति पूछी है, तो बचे दूसरी जैन संगीति कहाँ, कब हुई,
कहाँ पर हुई देख लेना, बुद्ध संगीतियाँ चार हुई हैं, चारों को देख लेना, और जैन संगीतों के देख बारे में देख लेना अपना डिटेल में। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुफा लेख उत्कीर्ण है? हाँ, और यार डी ऑप्शन का जवाब देते हैं ब्राह्मी। क्या लिख दिया? ब्राह्मी। डी ऑप्शन पर आगे उन्होंने डाल दिया डी ऑप्शन ब्राह्मी। तो प्राकृत, पाली, संस्कृत और ब्राह्मी में से कौन सी लिपि में है खारवेल का हाथी गुफा लेख, जो कि भुवनेश्वर में है, आधुनिक उड़ीसा में, खंडगिरी पर्वत पर? बताइए 44 का राइट आंसर क्या होगा? फोर्टी फोर का इन्होंने भाई दिया हुआ, देखो गलत दिया हुआ आंसर, इन्होंने प्राकृत दिया हुआ, लेकिन संस्कृत का है, सबको पता होगा, सबका विशुद्ध संस्कृत का पहला अभिलेख जो पाया गया है वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, संस्कृत भाषा, और इसके कोई बताया गया था कौन सी शैली में लिखा गया है ये, और इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? इसमें आपके 17 पंक्तियाँ हैं, देख लेना अपना। निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक में निष्पादित करते थे? राजुक में नहीं, राजुक लोग निष्पादित करते, ये नहीं आएगा, राजुक निष्पादित करते मतलब राजुकों के कार्य क्या था? राजुक या कहीं के मिलेगा आपको रज्जुक, रज्जुक। ठीक है, तो बताइए रज्जुकों का या राजुकों का कार्य क्या था, क्या कौन सा काम करते थे वे, क्या निष्पादित करते थे, मतलब कौन सा कार्य पूरा करते थे, बताइए। 45 क्वेश्चन नंबर 45, 45 का जो है राइट आंसर वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्व कार्य, टैक्स कलेक्शन का कार्य करते थे रज्जुक। आगे कहता है कि मुद्रा राक्षस में एक स्थान पर कौन अमात्य राक्षस से कहता है कि चाणक्य अपने बुद्धि द्वारा वश में कर शक यवन कंबोज पारसिक आदि की बड़ी भारी सेना ले आया, तथा चंद्रगुप्त और प्रवर्तक की इन सेनाओं ने प्रलय के समुद्र की भांति कुसुमपुर को घेर लिया? हाय हाय हाय, क्या बात है मेरी जान, क्या लिखा है बंदे ने? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विषाक्त दत्त ने, विषाक्त दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था बहुत बाद में, मौर्य काल के बाद में। ठीक है, तो इसमें लिखा इसने कौन सा मत्य कहता है राक्षस से कहता है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त और मौर्य आपके इसके क्या वो चाणक्य की जो वो है ना प्लानिंग वो लिखी गई मुद्रा राक्षस में, बहुत कुछ लिखा है इसमें। और ये जो था ना आपका चंद्रगुप्त तथा प्रवर्तक को, प्रवर्तक कौन था? प्रवर्तक जो था एक हिमाचल हिमालय पर्वत के पास में एक वो था, क्या बोलते हैं, एक राजा था प्रवर्तक, इसने चंद्रगुप्त ने इसे सहायता मांगी थी, चंद्रगुप्त ने और प्रवर्तक ने मिल करके नंदों का बैंड बजाया था, है घनानंद, कब की बात है? लगभग 321 BC के टाइम पीरियड की बात है ये। तो बताइए साथी कौन से ने कहा, कौन थे अमात्य ने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? 46, 46 कहता है आपका डी, राइट आंसर डी, राधागुप्त होना चाहिए यार, विरोधगुप्त क्यों हो जाएगा? ये डाउट है भाई, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है ये, राधागुप्त में से और विरोधगुप्त, विरोधगुप्त का तो कोई तुक नहीं बनता, विराध विराधगुप्त दे रखा है, विरोधगुप्त नहीं, विराधगुप्त, राधागुप्त होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यह कहता है कि जैन धर्म के तीर्थंकरों में सुपार्श्वनाथ का क्रम है। एक मैं बताता हूँ आपको क्या है, चलो खैर वो नहीं, वो नहीं भाई नहीं है, बताओ आप पहले, आप ही बता दो यार कौन सा, बताओ साथियों सुपार्श्वनाथ का क्रम कौन सा, कितने नंबर पे है उनका, उनकी बारी कितने नंबर पे आती है, 23 नंबर, चौथा नंबर है उनका, पाँचवा या सातवा, कौन सा बताओ फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7वें नंबर पे आती है, और ये जो है ना ये पार्श्वनाथ है, और यहाँ पूछा सुपार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ में सुपार्श्वनाथ में फर्क है,
ठीक है, पार्श्वनाथ है 23वें नंबर का तीर्थंकर। तो जरा बताइए, एकमात्र महिला तीर्थंकर किसे माना गया है? आगे कहता है कि सर्वप्रथम 48 क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया है? बिंदु प्रतीक मतलब डॉट, डॉट का प्रयोग किया गया यहाँ पे, यूं डॉट लगा दी गई है बिंदु की जगह पे। आओ सॉरी, शून्य के स्थान पर, जीरो के स्थान पर, जीरो के स्थान पर इसकी जगह पे क्या लगा दिया? डॉट, ओनली यूं लगा दिया डॉट। बताइए कौन से ग्रंथ में किया गया है, कौन से बुक में ऐसा मिलता हमें? फोर्टी एट का जो राइट आंसर दिया है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छंद शास्त्र। कल्पसूत्र भी हो सकता है यार, छंद शास्त्र थोड़ा डाउटफुल है, छंद शास्त्र होगा वैसे तो। ठीक है, आगे कहता है कि उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्र दियो के निम्नलिखित में से किस मृदा भांड परंपरा से अंतिम रूप से बद्ध किया गया? हाँ, उत्तरकालीन जो उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्र दियो को है, कौन सी मृद भांड परंपरा से संबद्ध किया गया है अंतिम रूप से, यानी उत्तर का हड़प्पा कालीन जो ताम्र नदियाँ मिली है उसमें कौन सी मृद भांड परंपरा थी उस समय? चार दिए गए ऑप्शन, बताइए फटाफट कौन सा राइट आंसर होगा इसका। फोर्टी नाइन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैरिक मृद भांड परंपरा। श्वेत रंग से चित्रित कृष्ण लोहित पात्र परंपरा। अच्छा, एक मिनट यार, ये यहीं तक चार रहेंगे, इसको छोड़ दो, नीचे वाले को, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को छोड़ो, नहीं तो क्वेश्चन सही नहीं बनेगा ये। बताइए, भारतीय जल सेना अधिनियम कब पारित हुआ? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके, 1927, 1943, 1932 या 1878। बताइए कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 1927। अच्छा जी, आगे कहता है किसके सिंहासन में कोई अभिषेक नहीं, कोई शपथ नहीं और कोई धर्म उपदेश नहीं, उसने स्वयं के हाथों से मुकुट अपने सिर पर रखा? कोई मतलब ऑफिशियल वो नहीं की गई थी उसमें फॉर्मेलिटीज कि वो आएंगे वैदिक ब्राह्मण आएंगे या फिर मतलब उसी धर्म से, उसी के धर्म से जुड़े हुए लोग आएंगे, वो उसका अभिषेक करेंगे, फिर उसको मंत्रोच्चार करेंगे, उसके ऊपर कुछ पढ़ेंगे, फातिहा वगैरह, कुरान की आयतें वगैरह, इस प्रकार तो कुछ नहीं हुआ था। बताइए, उसने उठा के अपने हाथ से मुकुट उठा के अपने सर पर रख लिया था, कौन सा शासक था बताइए? और यहाँ पर लिख देते हैं हम आपका बाबर, ऑप्शन नंबर डी में दे देते हैं बाबर। बाबर, बताइए चारों में से को राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51। ये था आपका जहांगीर भाई साहब थे ऐसे, अकबर उधर, अकबर ने की डेथ हुई इधर, इधर उठा के साफ पटाख से इसने अपना राज्य भी खुद ही कर लिया, मैं ही राजा हूँ, खुद ही राजा बन बैठा। आमेर के किस शासक ने तीन मुगल शासकों की सेवा की? बताइए साथियों, कौन सा वो था आमेर का शासक था जिसने तीन मुगल शासकों की सेवा की थी?
फिर टू का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा राजा जय सिंह। निम्नलिखित किस में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ, बताइए कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है यार, बता दो इसको तो फटाफट। ऑप्शन नंबर डी, सारे आए थे, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश, सब आए थे, सबको पैसा चाहिए था, सब भूखे नंगे लोग थे साले। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है साथियों। 54 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। फिफ्टी फोर का जो राइट आंसर होगा साथियों आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस अल्फांसो डी एल्बुकर्क, ये गवर्नर था पुर्तगाली का, कंपनी का। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, यहाँ इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, बताइए कहाँ पर स्थापित की थी भारतीयों ने, ओ पुर्तगालियों ने। 55 कालीकट कर्नाटका में। अबुल फजल ने किसे सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया है, क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वह पूजा करता था, और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त भी कहा है, बताइए किसे कहा था, बताओ। रिवाजों का अंधभक्त और सादा लहू, सिंपल खून, सरल व्यक्ति जो मूर्ति के गुम होने पर रो पड़ा था, पर धार्मिक किस्म का आदमी था, बताओ कौन था यार। ये थे भाई साहब आपके राजा टोडरमल साहब। ला बूडेन स्थान का गवर्नर था, कहाँ का गवर्नर था भाई बताओ जरा, ला बूडेन, ला ला जहाँ जाए ना साहब, नाम का जला जो समझ लेना वो फ्रेंच है, फ्रांसीसी आता है, ला बूडेनो, ला बूडेन मिले कहीं पे, ला बूडेन या कहीं पे ला बूडेनो भी मिल सकता है आपको, एक ही बात है, कहाँ का गवर्नर था बताइए। फिफ्टी सेवन ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशियस या मॉरिशस। सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी की आकृति से युक्त सिक्के चलाए कहाँ की रानी थी, क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए साथियों। सुगंधा देवी, नाम से खुशबू आती वैसा, सुगंधा देवी क्या बात है, जिसने आसीन लक्ष्मी यानी कि बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे, कहाँ की रानी थी वो। ये थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका की रानी थी भाई वो सुगंधा देवी, नाम नोट कर लेना साथियों। वह सिपहसालार या वह सेनापति जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह दमन करने के लिए भेजा, वीजा नहीं भेजा, भेजा था, किसे भेजा था बताइए। अनूप सिंह, जसवंत सिंह, कर्ण सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, किसे भेजा बताओ। फिफ्टी नाइन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सिंह। किस विद्वान ने भारतीय इतिहास में गुप्तकाल तथा पूर्व मध्यकाल को संस्कृति तथा शक्ति के रूपांतरण के दो महान काल कहा है, ये कहानी एक एक बंदा कर सकता है, पता होगा आप लोग, बताओ जरा कौन कर सकता है कहानी।
हाँ, बताओ साथी, फटाफट बताओ यार, 60 क्वेश्चन। शेल्डन पोलाक, पोलाक 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 खिलत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी, वह थी एक, क्या था वो? एक तलवार था, बरकंदाज वस्त्र या सैफे हिंदी? क्या था बताइए साथी, फटाफट बताओ यार। सबको पता होगा ये तो, वो तो था एक वस्त्र था, खिलत। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कब हुई बताइए साथियों? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद टाइम मतलब का इतिहास का। सिक्सटी टू, 1780। कहाँ से मानवीय युद्ध का साक्ष्य मिला है? युद्ध का साक्ष्य मिला भाई, सराय ना हर राय से। पशुओं का एक विशाल बाड़ा कहाँ से मिला है? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन। 64 बताओ। महागड़ा, पशुपाचन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? क्वेश्चन नंबर 65 बताओ साथियों, कहाँ से मिला? बागोर से। नवपाषाण काल में मानव द्वारा अपने घर बनाए जाते थे? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो आराम से आप लोग। 66 गलत दिया हुआ आंसर भाई, ये आंसर इन्होंने दिया हुआ है बी, यानी जमीन को खोद कर नहीं बनाता था। नवपाषाण काल का आदमी नदियों के तट के निचले किनारे घर बनाने लग गया था, जमीन को खोद कर। तो कहीं कहीं पर साक्ष्य में सब लोग थोड़ी बनाते थे जमीन की। हाँ, नवपाषाण काल के कुछ है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर में है, कर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, बुरजोम से हैं, लेकिन सब थोड़ी बनाएंगे, कुछ लोगों के लिए मिले हैं, इसके पहले थोड़ी सब लोग बनाते थे। कहाँ से कंगारुओं का चित्र मिला है? क्या बात है, कंगारुओं के चित्र भी बना दिए लोगों ने, इसका मतलब वहाँ के लोग यहाँ आए थे, उन्होंने देखा वो कंगारू, ऑस्ट्रेलिया में होते थे कंगारू, तो और कहीं होते ही नहीं है, चित्र बना दिए उसके हिंदुस्तान में। बताओ कहाँ मिले? तो वहाँ के लोग यहाँ आए हो, या फिर हो सकता है वहाँ के कंगारू कुछ लोग यहाँ ले आए हों, या हो सकता है उस समय यहाँ पे भी कंगारू होते हों, तो उन्होंने चित्र बना दिए देख करके उन्होंने। 67 बताइए राइट आंसर क्या होगा? बी, सिंघनपुर। 68, नवपाषाण काल मान कालीन मानव बर्तनों का निर्माण करता था? सिक्सटी एट, सबको लग रहा होगा कि राइट आंसर डी होगा सभी प्रकार के, ना यानी कि पीट कर हाथ हथेली रखे चाक पर, इसका राइट आंसर होगा, आप गलत हो, सी होगा, चाक पर रखकर बनाता था, जैसे कुम्हार बनाते हैं ना आजकल, चाक के ऊपर रखकर बर्तन बनाते, मिट्टी के। वही प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्जापुर से किसने किया है, की है बताइए साथियों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लाइल। 70, गेहूं और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है बताओ?
दोनों का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से, जौ और गेहूँ का साक्ष्य। और केवल सबसे प्राचीनतम अनाज का साक्ष्य पूछे तो फिर आपका हो जाएगा लहूर ये कोई कोल्डी हवा। लेकिन दो पूछे, दो फसल पूछे, गेहूँ और जौ का साक्ष्य। प्राचीनतम अनाज का साक्ष्य पूछेगा तो आपका कोल्डी हवा आएगा, जौ, पहले जौ आया था बाद में गेहूँ आया। बस तो ये शायद 70 क्वेश्चन आज साथियों हमने करे हैं, लगभग 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं साथियों। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप अपने स्टडी में लगे रहिए कंटिन्यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद और जय भारत।